तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वो है स्किप काउंटिंग स्किप काउंटिंग क्या होती है बेसिकली इज अ मेथड ऑफ काउंटिंग नंबर्स बाय एडिंग नंबर एवरी टाइम टू द प्रीवियस काउंटिंग तो जो आप काउंट करते जा रहे हो उसमें ही वो काउंटिंग ऐड करते जाओ जैसे कि अगर हम कर रहे हैं टू फोर सिक्स एट तो इसमें क्या स्किप है टू नंबर्स स्किप है तो वही हम ऐड करते जाएंगे वही कंटुएशन में टू की स्किप काउंटिंग चलती चली जाएगी तो जो नंबर स्किप है उसी को हम ऐड करते चले जाएंगे तो स्किप काउंटिंग इज अ मेथड ऑफ काउंटिंग नंबर्स बाय एडिंग अ नंबर एवरी टाइम टू द प्रीवियस काउंटिंग पहले वाले नंबर से उस नंबर को बार बार ऐड करते रहेंगे जैसे कि एट प्लस टू कितना हुआ टेन टेन प्लस टू कितना हुआ ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू कितना हुआ फोर्टीन तो इस तरीके से हमारी चलती जाएगी सीरीज ओके तो ये होती है स्किप काउंटिंग ये टू की थ्री की तो ये आपने देखा होगा कि ये क्या है ये एक तरीके का टू का टेबल बन गया कि टेबल में भी क्या होता है बेसिकली उस नंबर को हम ऐड करते जाते हैं उतनी बार तो यहाँ पे हमें नंबर आगे पता चलता जा रहा है उसको हम टू बार ऐड करते जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट नोट्स क्या होते हैं इसमें स्किप काउंट पर एनी नंबर इज पॉसिबल तो किसी भी नंबर का स्किप काउंटिंग पॉसिबल है ओके इट हेल्प्स इन काउंटिंग द नंबर क्विकली इससे क्या होता है कि हम काउंटिंग जल्दी जल्दी कर सकते हैं इससे एक और चीज़ हो रही है हमारी आसान कि हम टेबल भी जल्दी से कर सकते हैं अब हमें पता चल गया टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स तो टू का स्किप काउंटिंग चल रही है तो ये टू का टेबल बन गया बेसिकली समझ रहे हैं आप तो स्किप काउंटिंग एक टेबल का भी बहुत अच्छा मेथड है स्किप काउंटिंग हैज हैजूज एप्लीकेशन इन मल्टीप्लीकेशन टेबल तो इसको हम ज्यादातर अप्लाई किस में करते हैं मल्टीप्लीकेशन टेबल में मैंने अभी आपको बताया तो ये टेबल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें